book, and here is the second chapter. The name of the chapter is Sea Animals. Okay, sea animals means जो animals समुद्र में रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो animals है water में रहते हैं, उनको water animals बोलते हैं. Land animals मैंने आपको first chapter में पढ़ाया, ठीक है. जो जमीन पे चलते हैं उनको land animals कहते हैं, they are called land animals, है ना. और जो पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं water animals. और पानी आपने देखा होगा जगह जगह का होता है, river water है, pond में है, तालाब में है, है ना. तो सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन समुद्र का जो होता है, समुद्र के अंदर जो के बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं जो हमको देखने को भी नहीं मिलते हैं, वो हमने सिर्फ जो है वो टीवी में या इसमें ऐसे नहीं देखा है उनको, है ना. डिस्कवरी चैनल आप लोग देखते हो सब लोग, ठीक है. उसमें आपको ये सब फिशेस, लगभग फिशेस ही है सब, वो सब आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है. तो और फर्स्ट नंबर इज, इट इज एन इंटेलिजेंट सी एनिमल. इंटेलिजेंट मतलब मालूम है ना, बहुत ही चालाक होता है, होशियार होता है. इट हैज अ बीक लाइक स्नाउट एंड स्विम्स इन लार्ज ग्रुप. लार्ज ग्रुप में रहते हैं, जैसे पैरट्स वगैरह देखते हैं ना आप लोग, ग्रुप में उड़ते हैं. बर्ड्स जो है ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में उड़ते हैं, ठीक है. तो लाइक दैट दे आर स्विम इन लार्ज ग्रुप्स, है ना. तैर के लिए जब तैरते हुए आपको समुद्र में दिखते हैं तो बिल्कुल ग्रुप में रहते हैं, ठीक है. तो इट इज कॉल्ड डॉल्फिन फिश, है ना. डॉल्फिन फिश का नाम सुना होगा आपने, तो वो कौन सी होती है, डॉल्फिन फिश. ओके, चलो सेकेंड नंबर. द डैश इज अ फिश, इट इज कवर्ड विथ सूट ऑफ हनी हेरम. देखो ये बाजू में सी हॉर्स लिखा हुआ है, इट इज लुक लाइक हॉर्स. सी द पिक्चर, इट इज लुक लाइक अ हॉर्स. तो हॉर्स के जैसा दिखता है और समुद्र में रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सी हॉर्स. समझ में आ गया. ओके, चलो थर्ड नंबर. दैट एंडेश हैज एट आर्म्स, एक ऐसा है उसकी एट आर्म्स होती हैं. आर्म समझते हैं, जैसे हमारी दो आर्म्स होती हैं, ऐसे उसकी एट आर्म्स होती हैं. एंड दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स, है ना. दीज आर्म्स आर कॉल्ड टेंटिकल्स. ईच टेंटिकल हैज 240 सम्पशन कप्स दैट हेल्प्स इट टू क्लिंग टू रॉक्स और प्रे. ये जो आठ इसके दिख रहे हैं ना, देखो सीवियर, इट इज ऑक्टोपस. ओके, तो यहाँ पे इसके एट जो है वो आर्म्स हैं. एट आर्म्स जो है वो क्या करती है, उसको कोई भी उसका प्रे जो होता है, शिकार होता है, उसको पकड़ने में वो क्या करता है, कोई भी एनिमल का शिकार करता है पानी के अंदर, तो उसको जो है सी एनिमल को जोर से पकड़ लेता है, बराबर है. अब इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक, इसके अंदर एक इंक निकलती है, तो वो इंक से जो है उसका, उसको शिथिल कर देता है ना. तो इसको जो है इतने सारे, एक एक ईच टेंटिकल्स में इतने सारी शक्ति उसके अंदर होती है कि वो जो है किसी भी सी एनिमल को मार सकता है. तो इट इज कॉल्ड ऑक्टोपस. ओके, ऑक्टो मीन्स एट, मैथ्स में पढ़ा है ना, ट्रायंगल वगैरह सब आपने पढ़े थे, उसको जो है हेक्सागन है, पेंटागन है, पांच होता है, पेंटागन होता है. तो इसी टाइप से ऑक्टोगन होता है जिसमें आठ होते हैं ऐसे लाइंस, तो इसलिए उसको ऑक्टोपस बोलते हैं. ओके, चलो देन फोर नंबर. डैश इज अ शेप लाइक एन अपसाइड डाउन बाउल. बाउल आपने देखा है घर में, आपके बाउल होता है ना, उसको आप ऐसे उल्टा कर दो, बाउल को ओंधा कर दो, तो कैसा दिखता है, देखो बाजू में बना, है ना. तो इसका शेप जो है वो ये कैसी फिश है, इसका शेप जो है लाइक एन बाउल, बाउल के जैसा होता है, विथ टेंटिकल्स हैंगिंग फ्रॉम द बाउल्स. उसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो यहाँ लटकते रहते हैं इधर बाहर. दीज टेंटिकल्स कैन स्टिंग और पॉइजन द बॉडी, है ना. सामने वाले जो है उसका शिकार होता है, उसके अंदर पॉइजन डाल सकते हैं, ऐसे होते हैं. सो दे आर वेरी डेंजरस. हमारे बॉडी में हम जैसे हमको स्नेक काटता है तो हमारे अंदर बॉडी में जो है वो क्या डाल देता है, जहर डालता है ना, जिसको जहर बोलते है ना, वो डाल देता है, पॉइजन डाल देता है, तो उसकी डेथ हो जाती है. ऐसे इसके अंदर भी पॉइजन होता है, तो इट इज वेरी, दे आर वेरी डेंजरस. ओके, तो इट इज कॉल्ड जेली फिश. वो कौन सी फिश होती है, जेली फिश. आगे आ सकते हैं, साइड में फोटो देखो, ठीक है. चलो नेक्स्ट. द
डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द सी स्टार. स्टार आपने देखा, स्टार जो है उसमें फाइव होते हैं, ऐसे फाइव बटन होते हैं, तो उसको स्टार बोलते हैं बाजू में देखो. इसलिए वो ऐसी फिश है जो स्टार की जैसी दिखती है, तो इट इज कॉल्ड स्टार फिश. ओके, तो आपको ये पहचान रखनी है. बाउल के जैसी है तो जेली फिश है ना. तो द स्टार फिश इज ऑल्सो कॉल्ड अ सी स्टार. इट हैज फाइव आर्म्स. स्टार में फाइव होते हैं, तो फाइव आर्म्स लाइक एक्सटेंशंस विच मेक अ रिजेंबल अ स्टार. तो वो जो है उसके फाइव मिला के जो है एक स्टार बनाते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्टार फिश. ओके, हियर स्टार फिश. डॉल्फिन फिश, सी हॉर्स, देन ऑक्टोपस, जेली फिश एंड स्टार फिश. चलो नेक्स्ट. द डैश इज लार्जेस्ट मैमल. मैमल जो है वो इसके यंग वंस होते हैं. मैमल्स किसको बोलते हैं? जिसके यंग वंस होते हैं. लास्ट ईयर मैंने समझाया था आपको. तो मैमल जो यंग